अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट्स। किडनीज के डिफरेंट डिसऑर्डर्स बताएं और ट्रीटमेंट। तो मैं आज इसका आपको आंसर समझा रहा हूँ। ये बुक के पेज नंबर आ जाइए, आप बुक का पेज नंबर है 35 पे। ये देखें, इस ये पिक्चर है, ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो किडनी के डिसऑर्डर्स बताने और ट्रीटमेंट बतानी है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि किडनी स्टोन जब किडनीज के अंदर ये आ जाती है, तो अगर ये बाद आराम से टूट भी जाती है तो यूराइन में बगैर विदाउट पेन के निकल जाती है। और अगर ये स्टोन की कंडीशन में आ जाए और ना ब्रेक हो सके, ना टूट सके, तो फिर क्या होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इफ़ द साइज ऑफ स्टोन इज कॉम्पेरेटिवली स्मॉल, अगर यानी कि स्टोन जो है अगर वो छोटा है, ज़्यादा उसका बड़ा साइज़ नहीं है, बहुत स्मॉल साइज़ है, वी कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ लिथोट्रॉस्पी। तो इसमें लिथोट्रॉस्पी करनी पड़ती है, ये मशीन जो देख रहे हैं इसके जरिए लिथोट्रॉस्पी होती है, ओके। अगर स्टोन छोटा है तो भी लिथोट्रॉस्पी हो जाती है टू ब्रेक स्टोन। तो इस लिथोट्रॉस्पी की टेक्निक के जरिए क्या होता है, उस स्टोन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स पास की जाती हैं स्टोन के ऊपर से, तो उससे जो है ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाता है। इस टेक्निक को का नाम है लिथोट्रॉस्पी। इस टेक्निक को लिथोट्रॉस्पी कहा जाता है, ओके। तो इसमें यह होता है कि जो स्टोन है हमारा जो किडनी के अंदर होता है वो ब्रेक होने के बाद स्टूडेंट्स आराम से यूराइन के जरिए बाहर निकल जाता है, ओके, ब्रेक होकर आराम से निकल जाता है। और अगर ये स्टोन ना ब्रेक हो, खुदा ना खास्ता ना ब्रेक हो, तो क्या होता है, तो फिर जो है इसके लिए हमको ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर्स को। तो ऑपरेशन के जरिए फिर इसको ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर लिथोट्रॉस्पी की टेक्निक कामयाब अगर ना हो तो फिर इसके लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ये है कि पानी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाए तो इससे भी किडनी स्टोन के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। अब आगे आ जाती है किडनी फेलियर, कि किडनी फेल हो जाए तो किस तरह से क्यों हो जाती है। सम टाइम्स ऑफ नेप्रून्स ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग, जो किडनीज के अंदर नेप्रून्स लगे होते हैं ये काम करना छोड़ देते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। इस चीज़ को किडनी फेलियर कहा जाता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू सॉलिड डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनीज। जब ब्लड का लेवल जो रेगुलेशन है अगर वो नॉर्मल ना हो तो किडनीज के अंदर, तो फिर ये होता है। द फेलियर ऑफ किडनीज अलाउज यूरिया, जो किडनी फेलियर जो है वो यूरिया और वास्ट मटेरियल को अलाउ करते हैं ब्लड के अंदर, यानी कि शामिल जाते हैं यूरिया और वास्ट मटेरियल। किडनी फेल होने में की सूरत में क्या होता है, यूरिया और वास्ट मटेरियल जो है वो ब्लड में शामिल जाते हैं। और द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट रेगुलेटेड आल्सो, पानी का जो अमाउंट होता है पानी की मिकदार भी कम जाती है। द डिसबैलेंस ऑफ सोल्यूट्स काजिज डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है, ओके। तो ये किडनी फेलियर में नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ट्रीटमेंट समझाई है और किडनी फेलियर क्वेश्चन आया, ये था कि किडनी डिसऑर्डर्स का क्वेश्चन था कि किडनी डिसऑर्डर के मुताबिक तफसील से लिखी, तो ये इसका आंसर था। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू सी द गुड टाइप ऑफ वीडियोस, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।